आदरणीय माननीय अध्यक्ष से निवेदन करना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमको डर है कि उनकी हत्या कर दी जाएगी, इस वजह से उनकी सुरक्षा की अपील कर रहे हैं। अपील 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 तो तू राम गोपाल मिश्रा को गोली मारने के पहले भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, तब तो मजा आ रहा था। हमने बोला था पहले जाएंगे, जब योगी बाबा रे लेंगे तो सब लोग मिलकर रंडी रोना करेंगे। अरे योगी जी तो अच्छे अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। ये घटनाएं जो हो रही हैं वो सरकार की नाकामी की वजह से हो रही हैं। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इनकाउंटर कर रही है, और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये डराने के लिए हैं। आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कह सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इन्होंने, जिसने राम गोपाल मिश्रा को 23 गोलियों से भूना था, और जिस पर तुम एक शब्द भी नहीं बोल पाए थे कि उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। तुमने उल्टा आरोप लगा दिया था कि साउंड पर क्या बज रहा था, माइक पर कौन सा गाना बज रहा था, लेकिन आज जब रेल दिया गया है तो फिर तकलीफ हो रही, अंदर से दर्द हो रही तुम्हारे। तुम जैसे लोग रात भर सोएंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो ये है, विधवा विलाप होता ना, वही चालू रहेगा। उनके अपने सेफ्टी के लिए हर इंसान बचाएगा, अपनी सेफ्टी के लिए पत्थर रखेगा, पत्थर रखेगा, बंदूक रखेगा, गोली रखेगा। हाँ, तो कोई की बहन बिटिया की इज्जत लूटोगे तो कोई इज्जत, बहन बिटिया की कौन इज्जत लूटा किसी की? जब लो आप अभी बता रही है कि वीडियो है, कौन सी वीडियो है दिखाई, देखिए क्या वीडियो है, इसमें किस चीज का वीडियो है, कौन सा वीडियो है आपके पास, और उस इलाके में इतना बर्बरता, एक हिंदू भाई को मार दिया गया, वैसे ही नहीं मारा गया है, उसने कुछ करा होगा तभी। शाबाश मोहतरमा, ये वही वाला वीडियो दिखा रही है, झंडे वाला, जो ऊपर रामगोपाल चढ़कर उसका झंडा हटा रहा था। आप सिर्फ सोचो, आप इमेजिन करो, कुछ दिनों बाद जब इनके बच्चे बड़े होंगे, अगर ऐसी कुछ बातें होती हैं या गाँव में आसपास कोई डिस्प्यूट होता है तो इनके बच्चे क्या करेंगे। इन जैसे जाहिलों के मुंह से एक बार भी नहीं निकल रहा है कि राम गोपाल मिश्रा ने गलत किया, लेकिन जो राम गोपाल मिश्रा को मारा उसने भी गलती की, ये कभी नहीं बोलेंगे। शराम के पिल्ले के हिसाब से देखा जाए तो हिंदुस्तान में ऐसी हजारों वीडियो मिलेंगे जहां मंदिर के सामने उपद्रव किया जा रहा है, झंडा उतारा जा रहा है, उल्टा सीधा गाना बज रहा है, काफ़ी बातें होती है। तो क्या सबको गोली मार दिया गया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ने दम तोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में इतना भीतर घात है बीजेपी में, इतना योगी जी की कुर्सी खतरे में है और डावाडोल स्थिति है कि वो उसी को बचाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटरों की एक लिस्ट है, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे अभी वो यादव जी का हो, अब इस तरह की बातें। कोई कितना भी गिरे, लेकिन जलेबी भाई से नीचे अगर कोई गिर जाए तो मैं शर्त लगा सकता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जलेबी भाई से नीचे कोई गिर जाए। ये दुबे जी का नाम क्यों ले रही हैं, विकास दुबे का नाम क्यों ले रही हैं? क्योंकि मामला बराबर जो करना है, ये उसको भी गलत ठहरा रही हैं और आज जो रिलाई हुई है इसको भी गलत ठहरा रहे हैं, जो कि दुनिया को पता है कि दोनों ने क्या किया है। लेकिन सबसे सोचने वाली बात तो ये है कि इन चमचों को या इन जलेबी भाई जैसे सोच वालों को सिर्फ 2 ही घंटे में पता चल जाता है कि फेक एनकाउंटर, लेकिन इनको पिछले 25 साल से ये नहीं पता चला कि ये जिस पार्टी में हैं। अरे पप्पू चाचा वाले, वो बालक बुद्धि हैं। ऊपर हमला कर रहे हो, हम लोग गलती नहीं करेंगे, अभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागने जा रहे थे कि फायर करके निकल जाएंगे। गलती वहां की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। भरोसा भरोसा भरोसा, अरे भरोसा तो इनके खून में नहीं है, इनके खून में सिर्फ गद्दारी है। और भरोसा तो इस वीडियो पर भी नहीं हो रहा है, और आगे भी एक वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको थोड़ा भरोसा करना मुश्किल होगा कि ये कहां तक इनकाउंटर सही है, कहां तक गलत है, हुआ भी है कि नहीं। योगी बाबा के खिलाफ लोकल लेवल पर साजिश 100% चल रही है 2027 के लिए। पहले ये वीडियो देखो। नमस्ते गाइस, मैं हूँ लोली मिश्रा, राम गोपाल की पत्नी, जिनकी आज से 4 दिन पहले हत्या हुई है। हम न्याय मांग रहे हैं, जो न्याय हमें मिल नहीं रहा है, पुलिस प्रशासन हमें न्याय नहीं दिला रही है। वो लोग घूस ले लिए हैं,
उन्हें पकड़े तो ज़रूर हैं लेकिन उन्हें मारा नहीं गया है। हम लोगों को दिखा दिया गया है कि पैर पे गोली मारी गई है लेकिन इंसाफ हमारे साथ नहीं हो रहा है। पुलिस प्रशासन हमारे साथ बहुत अन्याय कर रही है, हमें इंसाफ नहीं दिला रही है। और क्या ही कहें, पुलिस प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रही है, जो हमें चाहिए वो हमें मिल नहीं रहा है। दोस्तों ये वीडियो कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, इन्होंने अपनी मर्जी से बनाया वीडियो या किसी के प्रेशर में बनाया है पता नहीं, लेकिन आप लोग सोचो जंगल में मुठभेड़ हो रही है, जंगल में आरोपी हैं और दो आरोपी हैं, दोनों को गोली लगी है पैर में, मतलब किसी के भी इधर उधर नहीं लगी है, जंगल में सटीक निशाना पुलिस ने सिर्फ पैर में लगा लिया। अभी ऐसी कोई घटना होती है तो आप सब हमेशा देखे होंगे कि पीड़ित परिवार की तरफ से दो चार दिन लगातार टीवी पर डिबेट होती है, टीवी पर उनको बुलाया जाता है, उनसे बातचीत किया जाता है, लेकिन यहाँ रामगोपाल मिश्रा के घर से कोई नहीं ऐसा है, किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि मीडिया भी नहीं पहुंच रही वहाँ। ये जो वीडियो अपलोड हुआ है इंस्टाग्राम पे हुआ, इसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सवाल क्या है, सवाल इस बात को लेकर ये है, क्या इस देश में इस बात की इजाजत दी जाएगी कि आप किसी के घर में घुस के उसके छत पे कोई भी झंडा लगा हुआ है आप उसको तोड़ेंगे, उसकी दीवार को तोड़ेंगे और उसकी जगह अपना झंडा लगाएंगे और वहां अनर्गल प्रलाप करेंगे, क्या इस बात की इजाजत दी जानी चाहिए? दूसरी बात, अगर दुर्गा विसर्जन की निकल रहा है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या सो रही थी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह समझ में नहीं आता कि यह मामला कितना संवेदनशील मसला है और इसकी वजह से दंगा भड़क सकता है? अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस ये नहीं देख पाती है तो उत्तर प्रदेश के पुलिस कप्तान को वहां पर रहने का अधिकार नहीं है। दूसरी बात, ये जो सड़कों पे जो लोग लाठी लेकर घूम रहे हैं कौन लोग हैं, इसकी इजाजत किसने दी है? इसकी इजाजत वही सरकार दे सकती जो चाहती है कि दंगे भड़के। दिन में चार बार गाली खाने वाले, जूता खाने वाले, चप्पलों से पीटे जाने वाले, आज तो उसको लग रहा है कि मूर्ति विसर्जन एक संवेदनशील मामला है, इसे पुलिस के प्रोटेक्शन में ही होना चाहिए, क्योंकि खुले में करोगे तो पत्थर खाओगे और उस पत्थर का जवाब देने जाओगे तो गोलियों से भून दिए जाओगे। भूनने वाले को बचाने के लिए तुम जैसे या और ऐसे लोग बहुत सारे नीले पीले जो भी हैं, पूरा कायनात लग जाएगा तुमको बचाने के लिए। बाकी इसने लास्ट में भी एक बात बोली कि वो जो लाठी डंडे वाले हैं वो कौन है, तो आस्तोस ध्यान से देख, तेरे पापा ही हैं वो सब जिन्होंने अपनी जमीन बेची नहीं है। मुमन जब हम देखते हैं तो जब भी हम नोटों की गड्डी गिनते हैं तो लोग थूक लगाते हैं, बताओ देखा है आपने थूक लगाते हुए? हाँ। बोलते जाओ जल्दी से, बताओ देखा है? तुमने नहीं लगाया पर तुमने देखा तो होगा ना? हम देखा है, बट एक मिनट मेरा क्वेश्चन भी तो है। हाँ। मैम एक चीज बताओ, थूक लगा करके वो एक होता है डायरेक्ट अपने पेट के अंदर जाना, खाने के अंदर थूक दो खाते रहो खाना, एक होता है कि मैं आपको 50 जगह लग रहा है उसके बाद उसका कोई इतना वो नहीं रहेगा। अच्छा मतलब थूक, मतलब वो अच्छा नोटों पे लग रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं है? चलिए ठीक है, शिवम 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 कुछ कहना चाहते हैं? शिवम बोलिए। मैं एक तो मैं ये चीज कहना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने जो बोला बिल्कुल सही बात है, अब पता नहीं अब्दुल को मतलब ये थूकने में भी कैसे प्लेजर आ सकता है, प्लेजर की और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बीमारी है ये, बीमारी है, बार बार यही आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं शिवम, ये प्लेजर नहीं है ये बीमारी है। अगर थूकना बीमारी है ना तो सरकार डॉक्टर है, चिंता मत करो ठीक कर दो। तो बना यादव कल बेचारी रामगोपाल मिश्रा की मौत को जस्टिफाई कर रहे थे और आज अब्दुल चाचा के थूक को। खैर सिवन त्यागी जी ने वही तुरंत ही इसको जवाब दिया कि देखो थूकना अगर आदत है तो फिर ठोकना भी पुलिस का आदत है, सरकार डॉक्टर है इलाज कर देगी। इस अशोभना यादव के लिए हमारे पास एक पीटीओ है, इसको जरूर देखना चाहिए। देखो नाम रीना, काम अब्दुल भाई वाला, थूकना मूतना चाटना ये वो जो भी है। मामला गाजियाबाद का बताया जा रहा है कि एक घर में ये काम करती थी और उस घर में जब ये रोटी बनाती थी तो अपने पेशाब का इस्तेमाल करती थी उसको बनाने के लिए। सोचो, आप सोच सकते हो कि आपके ये न्यूज़ सुनकर आपके मन में क्या हो रहा होगा कि खुद का ही पेशाब करके गूथना उसको, मन आदमी का विचलित हो जाए, लेकिन ऐसा ही करती थी और वो लोग खाते थे और ये सामने बैठकर देखती थी। इसको पुलिस अरेस्ट कर चुकी है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि पहले अच्छे से इसको ऐसा तोड़ो, इस नाजायज को ऐसा तोड़ो
कि दोबारा बैठ के वो करने लायक तो बिल्कुल ही ना रहे। बाकी जब ये छूटे वहाँ से, जब भी जमानत वमानत जो भी प्रक्रिया हो, जो भी जब भी छूटे, तो अशोभना यादव के घर प्लीज उसको भिजवा देना, क्योंकि रोटी उनको भी बहुत पसंद है। तुम लोगों ने तुम्हारी हुकूमत से भी किसकी तुम्हारी मेरी कौन सी हुकूमत है? रोटी कर रहा हूँ या खड़ा हुआ? मैं रोटी खा रहा हूँ, आराम खा रहे हो, आराम खा रहे हो। अपने बच्चों की कसम, तुमसे किसी ने क्या कहा हो पैसे के लिए? अपने बच्चों की कसम, तुमसे पैसे के लिए कहा? तुम खाओ कसम, मैंने बोला खा रहा हूँ, मैं तैयार हूँ, तुम खाओ ना, खाओ ना, अपने पैसे ले रहे हो, खाओ ना। तुम अगर मुल्ला जी हो तो कसम खाओ, तो तुमसे किसी ने पैसे के लिए? खाओ ना, अब क्यों चल दिए, अब क्यों चल दिए, खाओ कसम अपना। बस झूठ पुलिस पे इल्जाम लगाना ही तुम्हें वो है। दोबारा गाड़ी रोकी तो पुलिस वालों पर छुरा घुसा दूंगा। मौलाना साहब संभल वाले हैं, संभल जिले वाले। ये कुछ दिन पहले का वीडियो है, मैं आपको दिखाया भी था इसके ऊपर वीडियो बना के, लेकिन तब इसका इलाज नहीं हुआ था, अब हो गया है इलाज। पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया है। कि इलाज से याद आया कि हमास चीफ दूसरे चीफ को भी नेताराम साहू चाचा ने हुर कर दिया है, और जो मोसाद उनकी जो एजेंसी है उनकी तरफ से जो ट्वीट आया है वो काफ़ी मज़ेदार है। वो लिखते हैं कि सिनवर इलिमिनेटेड, निकल लिया। जिस प्रकार से इसको रेला है, फोटो भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। अब पता नहीं जन्नत में इसे हुरें पहचान पाएंगी कि नहीं पहचान पाएंगी, पता नहीं। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट करिए। बाकी उस वीडियो पर अपना रिएक्शन जरूर दें, उस न्यूज़ पर अपना रिएक्शन जरूर दें कि क्या राम गोपाल मिश्रा को ऐसे पैर में गोली मारने से इंसाफ मिल गया, उनके परिवार को इंसाफ मिल गया, या फिर ब्राह्मण होने का, गरीब ब्राह्मण होने का सजा उनको मिलता रहेगा। कमेंट करिए, मुन्ना भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।